हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट एग्रीकल्चर करंट अफेयर विच आर मोस्ट यूजफुल फॉर अपकमिंग एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आजकल के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के बारे में, जो आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, ताकि आपको एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशंस की वीडियो एंड एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो टाइम से मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं, और आज की लेटेस्ट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर है कि कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड AHIDF वर्थ ₹15,000 करोड़। तो कैबिनेट ने यहाँ पर अप्रूवल किया है 15,000 करोड़ रुपए एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, और जानेंगे कि इस फंड को एलोकेट करने से एग्रीकल्चर फील्ड में या फिर डेयरी सेक्टर में क्या क्या फायदे देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इन परसुएंस ऑफ रिसेंटली अनाउंस्ड आत्मनिर्भर भारत अभियान स्टिमुलस पैकेज फॉर एंश्योरिंग ग्रोथ इन सेवरल सेक्टर्स। जैसा कि आपको पता है, पिछले कुछ दिनों में हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक स्टिमुलेट चलाया है, एक कथन है जिसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी इम्फेसाइज किया है, जोर दिया है। इसके तहत यहाँ पे कई सारे सेक्टर ऐसे हैं जो इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के थ्रू ग्रोथ देखने को उनमें मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाई प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूवल सेटिंग अप ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड वर्थ ₹15,000 करोड़। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो चेयर्ड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो चेयरमैन हैं वो कौन है, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने यहाँ पर अप्रूवल किया है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 15,000 करोड़ रुपए। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, सरकार ने बुधवार को ब्याज सब्सिडी योजना के साथ 15,000 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचा विकास कोष की घोषणा की। यह फंड COVID-19 वायरस की रोकथाम के लिए लागू किए गए लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए मई में घोषित 20,00,000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है। जैसा कि आपको पता है, राहत पैकेज लॉन्च किया गया था 20,00,000 करोड़ का, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया था, एलोकेट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये उसी प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है जिसमें 15,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर बुनियादी ढांचा विकास कोष तैयार किया गया है, जो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी कहते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे, गवर्नमेंट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटिंग सेवरल स्कीम्स फॉर इंसेंटिवाइजिंग द इन्वेस्ट मेड बाई डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐसी सेवरल स्कीम चलाई हैं जो डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए काम कर रही हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, तो कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने यह कहा है कि मंत्रिमंडल द्वारा 15,000 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी गई है, जो सभी के लिए खुला रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये योजना है, सब्सिडी योजना जो कि 15,000 करोड़ रुपए की है, ये सभी के लिए है, और यह दूध उत्पादन बढ़ाने और निर्यात को बढ़ाने में मदद करेगा। तो यहाँ पर जो टारगेट है हमारा, वो है दूध का उत्पादन बढ़ाना और उसके निर्यात को भी बढ़ाना, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट हो, डेवलप हो। आगे अगर हम बात करेंगे, तो इस टोटल अगर हम फंड की बात करेंगे, जो फंड एलोकेट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा, इसका जो एम है, उद्देश्य है, वो क्या है, डेयरी मांस प्रसंस्करण और पशु चारा संयंत्रों में निजी कारोबारियों और MSME के निवेश को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो निजी कारोबारियाँ हैं और MSME हैं, उनके निवेश को प्रोत्साहित करना इस फंड का, इस स्कीम का उद्देश्य है। आगे बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड 3% इंटरेस्ट सबवेंशन टू एलिजिबल बेनिफिशियरीज। देयर विल बी 2-year मोरेटोरियम पीरियड फॉर प्रिंसिपल लोन अमाउंट एंड 6-year रीपेमेंट पीरियड। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे,
तो यहाँ पे सरकार ने बोला है कि आकांक्षी जिलों के पात्र लाभार्थियों को 4% इंटरेस्ट सबमेंशन देगी, जबकि अन्य जिलों के लाभार्थियों को 3% इंटरेस्ट सबमेंशन देगी। और इस स्कीम के तहत कर्ज का भुगतान करने के लिए 2 साल तक की छूट होगी, जबकि कर्ज की भुगतान की अवधि उसके बाद 6 साल तक होगी। ठीक है, इतना यहां पर बोला गया है। आगे बात कर लेते हैं, तो यहां पे यह भी बोला गया है कि डेयरी उत्पादक, मांस प्रसंस्करण और पशु चारा संयंत्रों की स्थापना के लिए किसान उत्पादक संगठन, जिसको FPO बोलते हैं, MSME और निजी कंपनियों को 3-4% की ब्याज सहायता दी जाएगी। तो यहाँ पर बहुत कम इंटरेस्ट यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है, 3-4%, जिसमें MSME हो गए, FPO हो गए और जो निजी कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा उठा सकती हैं अपना यूनिट एस्टेब्लिश करने के बाद, एग्रीकल्चर में मिल्क और उसके प्रोडक्ट को इंक्रीज कर सकती हैं, ये यहाँ पे कहा गया है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो किसान उत्पादक संगठन है, जिसको FPO बोलते हैं, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, काफ़ी डिटेल में मैंने बताया, वो आप देख सकते हो, MSME हो गई और यहाँ पे सेक्शन 8 के तहत जो कंपनियाँ आती हैं वो हो गई, निजी कंपनियाँ हो गई और इंडिविजुअल इंटरप्रेन्योर हो गए, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, FPO, MSME सेक्शन, MSME सेक्शन 8 कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज एंड इंडिविजुअल इंटरप्रेन्योर, ठीक है, जो आपके इंटरप्रेन्योर हैं उनकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इस प्रस्तावित इंफ्रा परियोजना के लिए उद्यमी को 10% मार्जिन का योगदान करना होगा और बाकी 90% ऋण घटक होगा जो अनुसूचित बैंकों द्वारा उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल 10% मार्जिन को जमा करना होगा, उसके साथ 90% जो ऋण होगा वो अनुसूचित बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ये यहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम है। आगे बात की जा रही है कि डेयरी आउटपुट की बात की जा रही है, तो डेयरी आउटपुट काफ़ी ग्रोथ हुआ है और यहाँ पे सीधा सीधा इसका इफेक्ट पड़ता है फार्मर की इनकम पे। और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उद्देश्य है 2022 तक फार्मर की इनकम को डबल करना। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने ये भी बोला है कि MSME और निजी कंपनियों को पशुपालन क्षेत्र में प्रसंस्करण और मूल्य वर्धित बुनियादी ढांचे में भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करने और सहायता दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये भी उन्होंने बोला है कि जो आपकी निजी इंटरप्रेन्योर हैं, इंडिविजुअल इंटरप्रेन्योर हैं या फिर निजी कंपनियाँ हैं, उनको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो इस फील्ड में आएँ और यहाँ पर मिल्क के प्रोडक्शन को, मिल्क के जो प्रोडक्ट हैं उसके प्रोडक्शन को और मिल्क का जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने में मदद करें। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही गई है। यहाँ पे जैसा कि आपको पता होगा कि अगर ऐसा होता है, अगर ये फंड जो एलोकेट किया गया है 15,000 करोड़ का, अगर ये अच्छे से एप्लीकेबल हो जाता है तो इससे लगभग 35 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ कि इस पहल के कारण 35 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है। तो इस स्कीम को लॉन्च होने से लगभग 35 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने की पूरी उम्मीद है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका टारगेट सेट किया गया है और उनकी पूरी कोशिश है। जो भी आपके, चाहे आपका मिल्क हो गया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, काफ़ी चीज़ों पर उन्होंने वर्क करने की बात कही है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं आपका, सबसे पहला डेयरी हो गया, मांस प्रसंस्करण हो गया और पशु चारा संयंत्र हो गया, तो इनको डेवलप करने के लिए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में तैयार करने के लिए, इनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस ब्याज सब्सिडी योजना को लॉन्च किया है, जिसका जो फंड है वो कितना है, 15,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और जैसा कि आपको पता है, सेशन खत्म होने के बाद आपसे एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो आज का क्वेश्चन है, कामधेनु योजना इज अ डेयरी स्कीम इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर डैश। तो यहाँ पे बात हो रही है कि कामधेनु योजना है जो कि एक डेयरी स्कीम है, वो कब इंट्रोड्यूस की गई थी या फिर किस साल उस योजना को लॉन्च किया गया था। इसका सही आंसर आपको
कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा। इस पे बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कामधेनु योजना के बारे में, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन, उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।